नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हम लोग देख रहे हैं स्पेक्ट्रम की समरी, पूरी इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जितने भी एग्जाम में आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले एक बात बता दूं आपको कि स्पेक्ट्रम की जो मैं समरी कर रहा हूं उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। चैप्टर वन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, उसमें सोर्सेज देखा था। चैप्टर टू देख चुके हैं, उसमें अप्रोचेस क्या होती है इंडियन हिस्ट्री की, वो सब देखिए। चैप्टर थ्री देख रहे हैं अभी, जो नई वाला एडिशन है उसकी मैं समरी दे रहा हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बुक ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं पूरी समराइज़ कर रहा हूँ सब चीज़ें। एक बार आप उसको बुक से अगर वो पूरा कर लेंगे तो सब कुछ पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तीसरे वाले चैप्टर में हम लोगों ने पोर्टुगीज़ वाला देख लिया है लेक्चर और डच वाला देख लिया है। इसके बाद कौन आया था, ई, यानी कि इंग्लिश। तो इसका पूरा इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा इसमें कि जो यूरोपियंस भारत में आए थे उनका क्रम क्या है, पी डी ई डी एफ, ठीक है। सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, सबसे पहले आए भी यही थे और सबसे पहले गए भी यही यहाँ से, ठीक है। फिर आए डच, इनकी ज़्यादा दाल नहीं गल पाई ये लोग को, फिर इंग्लिश ने ट्रीटी करके इंडोनेशिया भगा दिया। और फिर आए इंग्लिश, ये तो इनकी तो पूरी पढ़नी है, इनका तो मतलब पूरा मॉडर्न इंडियन इतिहास ही इन्हीं पे है। तो इसमें बस ये पूरा सीक्वेंस है कैसे कैसे आए वो सब। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे के चैप्टर में सब कुछ कवर करेंगे। फिर आए डैनिश और फिर लास्ट में आए फ्रेंच, ठीक है। तो ये है इस वाले वीडियो में हम लोग को क्या देखना है, इंग्लिश कैसे आए। अब देखिए, वो लोग देख रहे थे, पूरे यूरोपियन जितने भी पावर थे उन्होंने देखा कि पोर्टुगीज़ जो है पुर्तगाली जाते हैं वहाँ पे ईस्ट में और खूब पैसा कमा के, खूब प्रॉफिट कमा के चले आते हैं। इसीलिए फिर डच भी आए और फिर देखा इंग्लिश वालों ने, यानी कि इंग्लैंड वाले लोगों ने, कि देखिए फ्रांस के एक वॉयज ली थी, मतलब समुद्री यात्रा करते थे उस टाइम पे, और प्लस इंग्लिश वालों ने स्पेनिश आर्माडा को भी हरा दिया था। तो उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना करें। तो इसीलिए फिर ये देखिए पूरी सिक्वेंस ऑफ इवेंट लिखी है, पूरी सार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और एक एक चीज़ समझाऊँगा, अभी एक भी चीज़ मिस नहीं होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे आप लोग लेकिन बुक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और देखिए 1599 में कंपनी बनाई गई, इंग्लिश वालों के भी बड़ी चुल मचनी चालू हुई कि नहीं हम भी करेंगे भैया, जब सब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम क्यों ना कमाएं, ठीक है। तो 1600 में वहां की जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी उन्होंने एक चार्टर की अनुमति दी, किसको दी, वो देखिए पहले एक कंपनी बनी गवर्नर एंड, बड़ा लंबा सा नाम है इसका, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं, बड़ा ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ये नाम था। देखिए ईस्ट इंडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया 1600 से लेके 1858 तक, जब तक वो 1858 वाला एक्ट नहीं आ गया था उसके थ्रू इनको भगा दिया गया था कि नहीं अब आप जाओ, अब ब्रिटिश एम्पायर जो है डायरेक्ट रूल करेगा। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पूरा इतिहास है, पहले वही देख लेते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले 1600 में, मतलब 1599 में एक कंपनी बनी, 1600 में इसको चार्टर मिल गया। और देखिए चार्टर ऐसा मिला कि ठीक है आप लोग जाइए ईस्ट में जितने भी जो भी कॉलोनीज हैं वहाँ पे आप ट्रेड करो, और पूरी मोनोपोली दे दी गई कि मतलब आप ही करो बस, और किसी को करने की इजाज़त नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लैंड में ये मोनोपोली दे दी गई क्वीन एलिजाबेथ ने कि ठीक है आप ही करो जाके, पहले 15 साल के लिए दी गई थी, फिर 1609 में इसको जो मोनोपोली को है पूरा एक्सटेंड कर दिया गया इनडेफिनेटली, मतलब आप करते रहो, ठीक है। पहली कंपनी ये बनाई गई, फिर उसके बाद लेकिन अब वहाँ पे फिर बाकी लोगों को भी दिक्कत होने लगी कि यार ऐसा क्या भैया खास है कि एक ही कंपनी जाती है ट्रेड करके आ जाती है, और फिर उसमें वो लोग लॉस हाउस भी दिखाने लगे अपने। तो फिर एक दूसरी कंपनी आई थी, वो कब आई थी, 1635 में, ठीक है, असादा कंपनी थी ये, और फिर ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया। फिर मर्जर हो गया कब, 1657 में मर्जर हुआ। फिर एक 1698 में फिर से वही सब चीज़ें चालू हुई कि भैया जी एक ही कंपनी क्यों जा रही है, दूसरी क्यों नहीं जा रही है। और फिर ये एक विलियम नॉरिस के अंडर में ये सब उत्पात मचाना इन्होंने चालू किया कि भैया हम भी करेंगे ट्रेड, ठीक है। फिर 1702 में इनकी दुश्मनी ख़त्म की गई और 1708 में बनाई गई कंपनी जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ठीक है, ये नाम था। ये कंपनी जो थी 1708 से लेके जब तक
ईस्ट इंडिया ने इंडिया पे रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तब तक ये वाली कंपनी के अंडर में रूल किया गया है 1708 में, ठीक है। तो कंपनी का ये पूरा फेस है कि पहले एक कंपनी थी, फिर एक बाद में बनी है सादा कंपनी, उनको दोनों को मर्ज कर लिया गया, फिर एक और बनी बाद में विलियम नोरिस के अंडर में, उनको भी मर्ज करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये बनी थी, यही वाली फाइनल कंपनी थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया कंपनी का इतिहास। अब हम लोग पूरा इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के लोगों का इतिहास देख लेते हैं कैसे कैसे आए। तो 1600 में एलिजाबेथ जो क्वीन थी उन्होंने पूरा मोनोपोली दे दी, चार्टर एक दिया, यही वाली जो गवर्नर वाली कंपनी थी कि भैया जी आप जाओ और पूरा ट्रेड करके आओ, कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये लोग करते रहे, पहले तो पूरी 15 साल के लिए दी थी, फिर 1609 में पूरा इंडिफिनिटली कर दी। फिर 1609 में कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया किसके दरबार में, आया जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में आया लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। वो लोग आए थे किस लिए कि भैया हमको भी फैक्ट्री क्रिएट कर लें दो, लेकिन उस टाइम जो पोर्टुगीज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट थे इधर, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उनको नहीं करने दिया गया, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी इतनी इजाज़त दे दी गई 1611 में कैप्टन मिडिल्टन के अंडर में कि ठीक है आप चलो ट्रेड कर लो, फैक्ट्री अभी क्रिएट ना करो, लेकिन ट्रेड वाली परमिशन दे दी गई 1611 में, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन फिर इंग्लैंड और पोर्टुगीज़ के लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा ये वॉर और चलता रहा, थोड़ा छोटे मोटे लड़ाई उड़ाई चलती रही। पोर्टुगीज़ जो थे वो इंग्लिश वालों के शिप डुबो देते थे, इंग्लिश वाले उनको डुबो देते थे, आपस में खींचतान चलती रही। फाइनली 1612 में थॉमस बेस्ट नाम का एक बंदा था, उसने पोर्टुगीज़ को हरा दिया, मतलब पुर्तगालियों को हरा दिया, और इसीलिए फिर 1613 में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोली गई। ये सब मैं फैक्ट बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। ये सूरत में खोली गई। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, वो कहाँ खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। सूरत में खोली गई थी, किसने हराया था, थॉमस बेस्ट ने हराया था, पुर्तगालियों को हराया था। और ये जो फैक्ट्री खोली गई थी किसके प्रेसिडेंसी में, मतलब यहाँ का किसके अंडर में खोली गई थी, कौन प्रेसिडेंट था, वो था थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। तो 1613 में इन लोगों ने सूरत से चालू किया। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको देखें कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पहले सूरत में आए घुसे, ठीक है। फिर इन लोगों ने धीरे 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 वेस्ट में कब्जा करना चालू किया और फिर ये यहाँ तक आए, ठीक है। 1616 में मसूलीपत्तनम में किसी तरह ये किया, जब यहाँ पे 1613 में खोल दी, 1616 में साउथ इंडिया में खोल दी। फिर ये ईस्ट की तरफ जाना चालू हुए, 1633 के करीबन उड़ीसा में कर लिया। फिर ये बंगाल में जाना चालू किए तो फिर ये ऐसे कर लिया, ये बंगाल में 1651 में इनका हिसाब किताब चालू हुआ। फिर यहाँ पे बॉम्बे में 1662 में इनको मिल गया। तो मतलब धीरे 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 इन्होंने पूरा कवर कर लिया, पहले यहाँ से ऐसे गए और फिर ये वाला जो बॉम्बे वाला ये इनको मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके थे कि कहाँ तक विलियम हॉकिंस आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ 1615 में, ठीक है, 1615 में थॉमस रो आया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 1615 में आया थॉमस रो, ये जेम्स वन का एम्बेसडर था, ठीक है। वो आया फिर वही इसीलिए आया था कि कॉमर्शियल ट्रीटी करने आया था कि हमें भी इजाज़त दे दो और ये सब चीज़ों की। खैर उसका पूरा तो नहीं कुछ हो पाया सब कुछ, मतलब पूरी तरह से कॉमर्शियल ट्रीटी तो नहीं बन पाई, लेकिन उसको ये इजाज़त मिल गई कि ठीक है भैया जी आप फैक्ट्री क्रिएट कर लो आगरा में और ब्रोच में अहमदाबाद में, ठीक है, ये तीन जगह पे आप फैक्ट्री क्रिएट कर लो। और इसको दो फरमान जारी किए गए थे थॉमस रो को, एक खुर्रम ने और एक उस टाइम के एम्परर ने, यानी कि कौन था, जहांगीर, ठीक है। दो फरमान मिल गए इनको। फिर क्या हुआ कि अगर आप फिर इधर की तरफ चलें तो ये हो गया कहाँ, सूरत और वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर 1616 में मसूलीपत्तनम में सबसे पहला साउथ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ब्रिटिश का वो कहाँ पे था, मसूलीपत्तनम में, वो खोला गया। फिर वहाँ से ट्रेड वेड करना चालू किया गया। 1632 में इनको एक गोल्डन फरमान मिल गया। देखिए गोल्डन फरमान, अगर मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन फरमान किसने दिया था ब्रिटिश इंडिया को, तो वो दिया था गोलकोंडा के सुल्तान ने कि ठीक है भैया जी आप यहाँ भी ट्रेड कर लो। 1639 में चंद्रगिरी ने दिया मद्रास में करने को कि चलो आप यहाँ
आप ही कर लो ट्रेड। और इसीलिए फिर इन लोगों ने यानी कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में सबसे पहला अपना पोर्ट बनाया कहाँ पे, फोर्ट यानी कि जो किलेबाजी की, वो कहाँ पे की, सेंट जॉर्ज में। देखिए ये लोग यही करते थे हर बार, ये लोग कहते थे कि हमारी जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है उसको खतरा है और लूटपाट मच जाती है, तो हमको प्लीज़ आप किलेबंदी कर ले दो ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, इसलिए बस ये करते थे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कभी कि ब्रिटिश ने सबसे पहला फोर्टिफिकेशन कहाँ पे किया, वो किया फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि कहाँ पे, मद्रास पे है। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि हेडक्वार्टर जो साउथ इंडिया का कौन सा था, वो था मसूलीपट्टनम। जब ये बन गया मद्रास तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया इसने मसूलीपट्टनम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये मैंने बताया था आपको कि पहले यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए, फिर ये उड़ीसा की तरफ गए 1639 में, सॉरी 1633 में फिर ये उड़ीसा की तरफ गए। ठीक है, मतलब यहाँ से आए फिर इधर उड़ीसा की तरफ गए, फिर ये मद्रास, तो पूरा मतलब कब्जा करना चाह रहे थे, इसीलिए पहले वेस्ट से चालू किया, ईस्ट कोस्ट तक पूरा कब्जा किया। फिर इन लोगों को लगा कि जब ये अपने पास आ गया सूरत उरत ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर एक बात और है कि 1662 में क्या हुआ था, 1662 में जो ये ब्रिटिश के मतलब राजा हैं चार्ल्स दो, उनकी शादी हुई थी जो पुर्तगाली के थे उनकी डॉटर से, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दहेज में बॉम्बे दे दिया। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा बॉम्बे कब दिया गया, 1662 में दिया गया, किसको दिया गया, ब्रिटिश के राजा को दिया गया, उनका नाम क्या था, चार्ल्स दो। किसकी शादी थी उनसे, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की, जो कि पुर्तगाली थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पास था ये बॉम्बे, इन्होंने दहेज में दे दिया ब्रिटिशर्स को, चार्ल्स टू को ये बॉम्बे दे दिया 1662 में। ठीक है, 10 और फिर ये इन्होंने क्या किया कि जो अब ये इनके राजा के पास आ गया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड में। ठीक है, कि आप इसको यूज़ करो, तो फाइनली किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या क्या आ गया, देखिए सूरत आ चुका है, इधर ये मसूलीपट्टनम था, फिर उधर वो फोर्ट सेंट जॉर्ज क्रिएट कर दिया गया है, उड़ीसा का हरिहरपुर आ गया है। ठीक है, और ये गोल्डन फरमान गोलकुंडा का जारी हो गया है, वहाँ पे कर रहे हैं, फिर बॉम्बे में भी कर दिया। अब इन्होंने देखा ये सब चीज़ें बॉम्बे में भी, मतलब 1662 से चालू हुआ था, लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री ऐसी लिखी हुई, तो उस हिसाब से बंगाल में भी 1650 से फिर प्रयास चालू हुए, कि बंगाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था और वहाँ पे सबकी नज़र थी, मुगल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था बंगाल। ठीक है, तो 1651 में प्रयास चालू हुए बंगाल में भी किसी तरह अपने ट्रेडिंग पोर्ट बनाने के लिए। शाह सुजा उस टाइम पे रूरल था, उसने अलाउ कर दिया जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे ईस्ट इंडिया के, कि ठीक है आप चलो हुगली में ट्रेड करना चालू करो, हुगली में, कासिम बाजार में, जो पटना एक बंगाल की जगह है, राजमहल में। ठीक है, इन्होंने फरमान तो जारी कर दिया उनको, 3000 रुपये के उसमें था कि चलो ठीक है आप एक बार फरमान जारी कर दिया कि आप ट्रेड करो, लेकिन जो वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स थे वो परेशान करते रहते थे, कभी उनको टोल चाहिए होता था, कभी टैक्स चाहिए होता था, वो जैसे आज का है हमेशा से ऐसे ही सिस्टम है, जो करप्शन है वो कोई ऐसा मॉडर्न इंडिया में नहीं आया है, वो हमेशा से चलता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक विलियम हेजेस था, उसने शिकायत करी गवर्नर से। ठीक है, उस टाइम का गवर्नर था सियस्टा खान, कि भैया जी ये लोग हमको परेशान करते हैं और आप इनका कुछ करो, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकल पाया। और फाइनली फिर हुगली में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई छोटी मोटी, कुछ प्लेसेस ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिए, कुछ प्लेसेस वहाँ के राजा ने कर लिए, फाइनली ब्रिटिशर्स को वहाँ पे हुगली से मुगलों ने भगा दिया गया। ठीक है, एक बात यहाँ पे बीच में इंपॉर्टेंट ये और है कि 1667 में, ठीक है, 1667 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था बंगाल में ट्रेड करने के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार जीके में, इसलिए ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर क्या हुआ, फाइनली जब ये लड़ाई उड़ाई हो गई तो फिर एक बार फिर से फिर ये ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अगर ऐसे जो लोग राजा हैं उन्हीं से अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा। 1690 में जॉब चॉर्नॉक करके एक बंदा था, उसने सुतानाती के ट्रेडिंग राइट्स के लिए फिर अर्जी वर्जी दी और उनको मिल गया। सुतानाती में देखिए ट्रेडिंग राइट तो मिल गया, फिर वहाँ पे एक शोभा सिंह नाम का एक जमींदार था, उसको मतलब उसने विद्रोह कर दिया एकदम से, वो क्रांतिकारी, उसको थोड़ा सा विचारों वाला था, उसने कहा कि भैया वो मतलब एक्चुअली पहचान चुका था इन लोगों का कैरेक्टर ब्रिटिशर्स का, कि ये लोग फिर वही कर रहे हैं, वहाँ फोर्टिफाई करना चालू कर दिया इन्होंने सुतानाती पे, और अपने ये धीरे धीरे मतलब ट्रेड करने नहीं आए, ये और कुछ करने आए, ये धीरे धीरे कब्जा करके और जमींदारी राइट्स वाइट्स खरीदने आए, और फाइनली वही हुआ भी था।
इसने तो ये आप नाम याद रखिएगा क्यों, शोभा सिंह, किसने विद्रोह किया था, शोभा सिंह ने किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी 1691 में जो इंपीरियल कोर्ट था उन्होंने बोल दिया कि इंग्लैंड वालों को, इंग्लिश वालों को, कि ठीक है आप बंगाल में ट्रेड करो। 1698 में क्या हुआ कि इंग्लिश वाले लोगों ने, इंग्लिश जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने 3 जगह की जमींदारी खरीद ली। उन 3 जगह का नाम क्या था, सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता, जो कि बाद में कलकत्ता बन गए थे, ठीक है। फिर इन 3 जगह की जब जमींदारी खरीद ली और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर दिया, फिर बंगाल में पहला फोर्ट बनाया गया, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कब बनाया गया था, 1700 में बनाया गया था, और इसका प्रेसिडेंट पहला कौन था, चार्ल्स आयर, ठीक है, चार्ल्स आयर, EYRE है इसकी स्पेलिंग, हिंदी में मुझे लगता है आयर ही बोलेंगे, और शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बता देंगे। हमको तो कुछ लोग कहते हैं कि हम भोजपुरिया एक्सेंट बोलते हैं, भैया जी देखिए ऐसा है कि हम कनपुरिया हैं एकदम टिपिकल, और हमको देशी भाषा में बोलना ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, जैसे बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज कुछ लोग यूज़ करते हैं, हम भी बोल सकते हैं वैसे, लेकिन हमको इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, हम इसी में रहेंगे और यही करेंगे हम, ठीक है। तो अगर फोर्ट के बारे में देखें, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला फोर्ट कहाँ पे क्रिएट किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, कब किया, 1639 में, कहाँ पे किया, चेन्नई में, मतलब मद्रास में, ठीक है। दूसरा फोर्ट कहाँ पे किया, फोर्ट विलियम, कहाँ पे किया, कब, मतलब क्या नाम था फोर्ट विलियम, 1700 में किया, बंगाल में किया, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, वो सब भी मैं इसमें इंक्लूड करके लाया हूँ, इसके अलावा नहीं कुछ आएगा, ठीक है। फिर फाइनली जो है इंग्लैंड वाले लोग और ज़्यादा लगे रहे, और करत करत अभ्यास के, वही वाली बात होती है ना, तो वो यहाँ पे गलत चीज़ों में भी हो गई साबित। फारूक शियार करके, फारूक शियार का फरमान जारी हुआ, ठीक है, 1715 में एक बंदा था जॉन सुरमान, ठीक है, वो आया और उसने फारूक शियार के फरमान के लिए पूरा उनसे पटाया वटाया कि खूब बटरिंग वटरिंग की, खूब गिफ्ट विफ्ट दिए, और फाइनली 1717 में फरमान जारी कर दिए गए, और ब्रिटिशर्स को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल गई जिसके वो लोग डिज़र्व भी नहीं करते थे, ठीक है। दस्तक एक उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दस्तक का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि आपके घर में कोई आ जाए, ठीक है, आप उसको राइट दे दो, मतलब उसको किराए पर रहने के लिए दे दो, और वो जो किराए पर रूम है वो खुद ही चलाने लगे, समझ लो आप, कि आपका घर है, आपने दिया कि आप रहो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि वो दूसरे लोगों को ला ला के रखने लगा, कि भैया वो और प्रॉफिट कमाने लगा, कि आपने 100 रुपये, आपसे 100 रुपये में उसने किराए पर रहना चालू किया और दूसरे लोगों से ला ला के, तो ये सब चीज़, मतलब अगर किसी को रहना है तो यहाँ पर रह लो, तो दस्तक का यही मतलब है। दस्तक का मतलब ये था कि जो इन लोगों को जैसे फरमान जारी हो गया था कि जहाँ जहाँ भी ये लोग ट्रेड कर रहे थे वहाँ पर अगर किसी दूसरे को ट्रेड करना है तो वो लोग इनको ब्रिटिशर्स को फीस देंगे, मतलब हद हो गई यार इन, यही सब तो बर्बादी के कारण रहे, तभी तो धीरे धीरे फिर इन लोगों ने पूरा कैप्चर करना चालू कर दिया। इन लोगों ने समझ गया ना, ये यहाँ की देखिए लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते थे, यहाँ के जो राजा थे बहुत अय्याशी करते थे, उनका फ़ायदा उठाते थे। अब फिर देखिए फारूक शियार के फरमान में और बहुत सारी बातें थी, इन्होंने ये भी अलाउ कर दिया कि जो भी जगह की जमींदारी खरीदी गई वहाँ पर आप रेंट में उसको उठा सकते हो। हैदराबाद ने 10,000 रुपये के फीस दे दी, फिर उसके अलावा कोई टैक्स हटा दिए सब कुछ। इवन बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की करेंसी थी उसको तक बोल दिया कि चलो ठीक है आप मुगल पूरे रूल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिंटेड करेंसी वो चलेगी। तो बस यहीं से ये सब चालू हुआ, यहीं तक था पूरा इंग्लिश का इतिहास। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर कभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं फैक्ट बताऊंगा कि पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की कौन सी थी, सूरत, सूरत में थी 1613 में, ठीक है। साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कौन सी थी दक्षिण भारत में, मसूलीपत्तनम 1616 में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया में कौन सी थी, हरिहरपुर, ये बालासोर में उड़ीसा में थी 1633 में, ठीक है। और फिर अगर आप और ज़्यादा जाएंगे तो बंगाल में कौन सी थी, बंगाल में तो हुगली थी 1651 में, ठीक है, ये वाली बात है। एक तो 1667 में, 1667 में एक औरंगजेब ने फरमान जारी किया था ट्रेड करने के लिए बंगाल में। दूसरी चीज़ ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने आपको इतिहास बता दिया है पूरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 3 बार बनी है। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी गवर्नर एंड वो वाला बहुत बड़ा नाम था, वो शुरू में देख इतना बड़ा नाम हमसे ना रटा जा रहा है, ठीक है, आप देख लेना एक बार, बुक पढ़ लेना, इसीलिए बुक ज़रूरी है। 1600 में बनी, इनको चार्टर दे दिया क्वीन एलिजाबेथ ने, असादा कंपनी को बाद में दिक्कत होने लगी 1635 में, वो लोग बन गए, फिर मर्जर कर दिया गया 1657 में, फिर 1698 में फिर किसी लोगों को विलियम नॉरिस को बड़ी दिक्कत होने लगी, 1702 में दुश्मनी ख़त्म करवाई गई, और 1708 में एक कंपनी बनाई गई द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, इसी ने रूल किया था 1858 तक। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई फैक्ट नहीं। एक और फैक्ट है लास्ट में, ये वाली जो ट्रिक है ये जरूर याद रखिएगा, PDEDF,
ठीक है। और एक बात और, जितने भी ये वीडियोस हैं इनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ कमेंट जरूर दिया करिए। और कुछ लोगों ने जैसे बोला था कि वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, बताओ भैया जी बगल में लगा के बोल रहे हैं, और कितनी तेज वॉइस चाहिए यार, आप अपना स्पीकर ठीक कराइए, बिल्कुल वॉइस ठीक है सब कुछ। इतने सारे मैंने अरेंजमेंट किए हैं ना ये वाले वीडियो लाने के लिए, इतने दिन बाद और इतने दिन में लगा रहा तब जाके तो ये अरेंजमेंट हो पाए हैं, इसमें भी कमी निकालोगे तो कैसे चलेगा भैया जी, है ना। ठीक है, एक ये वाली चीज़ थी। और दूसरी बात ये कि जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ये एक समराइज फॉर्म है, आपको मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, अगर देखिए इसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि इसके अलावा, देखिए स्पेक्ट्रम के अलावा मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना उनको देखता हूँ और फिर उनको इसी में इंक्लूड कर देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट में। अगर आपने इतना सब कुछ रट लिया तो बस हो गया, ठीक है। लास्ट में बस इतना ही था कि 1718 से लेके वो लोग पूरा रूल करते रह गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।